हाय गाइस डूइंग। तो आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की कहाँ गायब हो गई। नहीं सोच रहे तो कोई बात नहीं, सोच लेना कैसे थी भाई। तो मैं कह रही थी गाइस कि 2 साल हो गया मेरा यूट्यूब छोड़े हुए, और थोड़े दिन पहले मैंने अपने रूममेट को बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी था, एग्जिस्ट करता था, जिसमें मैं वीडियोस और इतने ज़्यादा डाला करती थी। और दैट मेड मी रियलाइज़ कि हाउ हैप्पी दोज यूट्यूब वीडियोज़ मेड मी फील। तो आई फील लाइक आई शुड कंटिन्यू मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़। तो अभी थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने क्या करा। 1 साल हो गया 2 साल ऑलमोस्ट हो गया होगा, मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है। तो मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी और सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। मेरा लास्ट व्लॉग था 12th क्लास का प्रैक्टिकल, अगर आपको याद हो तो 12th क्लास मेरी हो चुकी है, मैं पास हो गई हूँ और मैं कॉलेज में भी आ गई हूँ। एंड आई एम परसुइंग बायोटेक्नोलॉजी from Galgotias University, and right now I am 18 years old. yes. 12th में कभी सोचा नहीं था कि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट बनूंगी। मेरे को लगा था ये लास्ट टाइम है कि मैं बायो और ये साइंस पढ़ रही हूँ, मेरे को भागना है इस सब्जेक्ट से। बट ऑनेस्टली अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ तो। और मैंने थिएटर करा पिछले साल से। ओह गॉड आई लव थिएटर सो मच, आई लव थिएटर। तो अपकमिंग ब्लॉग्स थिएटर के भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी एक और शो मैं करने वाली हूँ। और कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा बताती हूँ कि कैसे सब कुछ हुआ। तो अभी जिस जगह पे मैं हूँ, ये मेरा घर तो नहीं है गाइस, ये है हॉस्टल। यस, मैं घर से बाहर रह रही हूँ। डिफरेंट और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है घर से दूर रहना ऑनेस्टली। और कभी कभी बहुत ही अकेला फील होता है, कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत मज़े आते हैं, बहुत एक्साइटिंग, बहुत खुशी होती है। तो ये मिक्सड इमोशंस हैं। और अभी मेरा फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट होने वाला है। मैं तब डाल रही हूँ वीडियो, यूट्यूब पे आ गई हूँ यार। मतलब सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब छोड़ के ना ऐसा लगा कि मतलब मैं ऐसे उसके लिए बनी नहीं हूँ कि सिर्फ पढ़ाई करके नौकरी करना। मेरे को कंटेंट क्रिएटिंग इतनी पसंद है ना, मेरा दिमाग बहुत चलता है कंटेंट क्रिएटिंग में। एंड आई डोंट केयर कि मेरी वीडियोज़ चले ना चले। और अभी मैंने सोचा है कि भाई मैं कंटेंट डालूँगी और मैं नहीं सोचूंगी कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो बात आई जाती है क्रिटिसिज्म वाली कि अपने लोग, अपने दोस्त वगैरह बहुत ही ऐसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ ना, 100 में से 90% ये मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है कि लोग ये सोचेंगे, वो सोचेंगे। बाकी मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा लोग कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह देते हैं और तारीफ़ें करते हैं बहुत सारी सीरियसली कि आपका कंटेंट ऐसा वैसा अच्छा लगा और बनाओ वीडियोस। और मैं इतना ओवर थिंक करती हूँ ना कि यार लोग ये सोचेंगे, बट अभी मेरे को वैसे निकालना है। बट ऑनेस्टली एक चीज़ बता रही हूँ, मैं अभी कॉलेज में हूँ ना, तो मैं कॉलेज के दोस्तों को नहीं बताऊँगी कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल, बट मेरे स्कूल फ्रेंड्स को तो ज़्यादातर पता ही है। तो इफ़ यू आर माई स्कूल फ्रेंड एंड वॉचिंग माई वीडियो, आई लव यू सो मच। सो या बस यही मैं कहना चाह रही थी। और शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा मेरे से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच, आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू यू। और मैं कोशिश करूँगी ऐसी पॉजिटिविटी वगैरह फैलाना यूट्यूब पे। So thank you so much for watching this video. Bye. Hi guys, how you guys doing? Tongue the wonder man. Hi guys. Hi guys. Revenge. Hi guys. Hi guys. But yaar.